नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं आपको लॉन्ग वर्ड्स रीडिंग ट्रिक। जी हां, लंबे जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उसे हम कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं या फिर उसे हम आसान कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या, लंबे लंबे वर्ड्स देखिए तो फिर भी छोटा है, और एक दो वर्ड्स आपको बताने वाला बहुत लंबी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, देखिए कितना लंबा वर्ड्स है। तो इस प्रकार के लंबे लंबे वर्ड्स है तो उसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि उससे होगा कि आपको थोड़ी सी आसानी होगी, यानी कि बहुत आसानी होगी आपको इसे रीड करने में। एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके आप जितने भी इंग्लिश के लंबे लंबे वर्ड्स है उस पर ज़्यादातर, जी हाँ, कुछ कुछ वहाँ पर क्या होते हैं अपवाद होते हैं, जहाँ पर क्या होता है उसकी जो उच्चारण है वो कुछ अलग निकलता है, वैसे वर्ड्स भी आपके लाने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर आपको टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप लंबे लंबे वर्ड्स को ईजी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे मैं आपको पढ़ के जैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, तो हमें इसे पढ़ना है तो हमें क्या करना है, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे आपको तोड़ना है। जी हाँ, किस प्रकार से तोड़ना है, छोटे छोटे वर्ड्स में इसे क्या करना है, इसे हमें तोड़ना है। जैसे कि देखिए इतना लंबा लिखा हुआ है, सबसे पहले हम शुरुआत का तीन ले लेते हैं, तो हम ये ले लिए SPE, ठीक है, ये कम्प्लीट हो गया। फिर क्या बचा, CE को ले लीजिए, तो ठीक है, सॉरी CI को ले लीजिए, तो हम CI को ले लिए। फिर FI को ले लेते हैं तो FI को ले लीजिए। फिर CA को लिए तो CA को लिए। फिर उसके बाद TION, जी हाँ, TI और ON को अलग अलग नहीं लेना है, इसका कारण आपको बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो TION यदि एक साथ कहीं पे भी आता है, TION एक साथ आ रहा है तो इसका उच्चारण होता है शन। देखिए लिखा हो शन, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, नेशन, पॉल्यूशन, रिवोल्यूशन, सॉल्यूशन, अट्रैक्शन, तो वहाँ पे आप देखेंगे TION का यूज़ होता है जिसे हम शन पढ़ते हैं। इसे मैंने क्यों लिया स्टार्टिंग में, ताकि बाद में आप ये नहीं बोलिए कि सर आपने जो नियम बताया उसके हिसाब से तो TON होना चाहिए, TI को TI पढ़ लेंगे, ON को ON पढ़ लेंगे, TION तो नहीं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसे ले रहा हूँ, आपका कन्फ्यूज़न आपको ना रहे, ठीक है। तो TION जो है इसे शन पढ़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, लिंक दे दूंगा आपको। अब ये तो क्या छोटा छोटा तोड़ लिए, ठीक है। इसका एक और तरीका है कि हम इसे अभी आपको बताने वाला हूँ, तो इसका और एक तरीका है, इसे हम बड़ा बड़ा भी तोड़ के बना सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने छोटा छोटा इसका तोड़ लिए, आप देखते हैं जैसे हमने SPE को तोड़े, तो आप ये ध्यान देंगे जब भी SP एक साथ लिखा हुआ है, SP, SL, SM, तो ये क्या होता है, मिक्स होते हैं, यानी कि S यानी आधा सा, P यानी पा, तो इस प्रकार से होता है आधा सा और पा, और ई यानी जैसे हम एक ही मात्रा बोलते हैं ना, एक ही मात्रा, इस प्रकार से स्पे, इसे हम क्या पढ़ें, स्पे, ठीक है। एक बार तोड़ के बता रहा हूँ फिर आपको इजी लगेगा, एक बार देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक के, स्पे ये क्या हो गया, स्पे हो गया, ठीक है। CI को हम सी पढ़ते हैं तो स्पे सी हो गया। FI को हम फी पढ़ेंगे, क्योंकि आई का उच्चारण ज़्यादातर जगह आप क्या होते हैं ई, छोटी की मात्रा ई, इस प्रकार से, ठीक है, स्पे सी फी। अब यहाँ पे ये मत जाइए कि बड़ी लगा दी छोटी लगा दी, वो लिखते समय गलती से लगा दिया, आप चाहे सी बोले चाहे सी बोले, लगभग उच्चारण वैसे होने वाला है। ये हो गया सी, ये हो गया फी। CA को हम क्या पढ़ेंगे, के, ठीक है, का नहीं पढ़ेंगे, के, CA को क्या पढ़ेंगे, के, और इसे मैंने आपको बताया शन, क्या पढ़ेंगे, शन। अब देखिए ये लंबा आपको पढ़ने नहीं आ रहा था, अब इसे तोड़ तोड़ के हमने पढ़ा, तो अब इसे एक साथ पढ़ के देखते हैं, स्पे शी फी के शन, स्पेसिफिकेशन, अब इसे जल्दी से पढ़िए, स्पेसिफिकेशन, क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया छोटा छोटा तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, और यदि हम इसे लंबा तोड़ना चाहें, क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसे हम क्या करते हैं, लंबा तोड़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से इसे स्पेस ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, स्पेसी, यहाँ तक पढ़ ली स्पेसी, इसे हम पढ़ सकते हैं फिके, स्पेसिफिकेशन, 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 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इसे क्यों बताया, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, जो लंबे लंबे वर्ड्स इतना भी नहीं पढ़ पाते, उनके लिए मैंने छोटा छोटा यहाँ पे तोड़ के बताया। ये दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हो, बहुत से लोग ऐसे जिन्हें एक साथ ही पढ़ने आता है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, जिन्हें पूरा पढ़ने आता है वीडियो क्यों देखेगा, वीडियो ये वीडियो वही देखेगा जिसे लंबे वर्ड्स पढ़ने में परेशानी होती है। तो ये एक तरीका है, देखिए स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विस्तृत जानकारी, जैसे हम बोलते हैं ना मोबाइल में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, विस्तृत जानकारी, विस्तार में जानकारी, बहुत उसके और डिटेल में जानकारी, यानी मोबाइल में क्या क्या चीज़ है, कितने GB रैम है, कौन सा इसमें कितना कार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन सा कार्ड लगेगा, और यहाँ पे इसके अलावा बैटरी कितना MAH का, इस प्रकार से हम देखते हैं, आप सभी जानते हैं, वही होता है स्पेसिफिकेशन। तो ये एक तरीका हो गया,
उसके बाद देखिए तरीका वही है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स को तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको और वर्ड्स को तोड़ने में आसानी हो, ठीक है। आप देखते हैं इसके बाद, जैसे मैंने आपको शन वाला बताया तो एक और ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये तो क्लियर हो गया, टी आई ओ एन यदि एक साथ है तो इसे हम शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शन। अब देखते हैं, अब इसे भी वैसे तोड़ लीजिए, पहले इन को तोड़ लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए टी आर ओ, इसे तीन को ले लीजिए, टी आर ओ को। आप केवल इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते जाएंगे उतना आपको थोड़ा सा क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन आप स्टार्टिंग है, स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, छोटा छोटा लीजिए। तो इन को ले लिए, फिर टी आर ओ को ले लिए, फिर डी यू सी को ले लिए, क्योंकि केवल डी यू को लेंगे तो सी अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए शन, ये शन कंप्लीट है एक में, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, इसे कॉम्बिनेशन में लीजिए। तो इन, फिर टी आर ओ को लिए, फिर डी यू सी को लिए, फिर शन को लिए। अब इसे पढ़ के देखते हैं, तो पहले इसे पढ़ते हैं, ये दो को, ये जो है इन, क्या हो गया इन टी आर ओ। तो जैसे आप देखें एस पी को एक साथ आधा सौ रुपये जुड़ा हुआ था, तो आप ध्यान देंगे यदि टी के साथ आर है तो हम इसे ट्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऐसे ट्र ट्र, ठीक है। और यदि डी के साथ आर है, टी आर है, यदि डी के साथ ऐसे आर है तो डी को हम ड बोलते हैं, ड। तो ये र का यूज करता है, ड्र ऐसे हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो सी के साथ आ रहा है, सी के साथ आ रहा है तो सी को हम क बोलते हैं, तो क में र को हम क्र ऐसे पढ़ते हैं, क्र। तो देखिए ड्र, सॉरी ट्र हो गया ये वाला, टी आर के साथ है तो ट्र, डी आर के साथ है तो ड्र, सी आर के साथ है तो क्र, पी आर के साथ होगा तो प्र, इस प्रकार से कहता है र, र ऐसे जुड़ते जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया ट्र। अब ओ को हम क्या बोलते हैं? ओ की मात्रा। ओ को हम क्या बोलते हैं? ओ की मात्रा, एकदम साधारण भाषा में। तो ये हो गया आपका इन, और इसे ट्रो क्या पढ़ेंगे? ट्र में ओ जुड़ गया था तो ट्रो, देखिए ओ की मात्रा, इन ट्रो, ये हो गया क्लियर। अब डी यू सी को डुक नहीं पढ़ेंगे, यू का ध्वनि ज्यादातर जगह अ होता है, अ, डुक नहीं पढ़ेंगे आप, डक ऐसे, जैसे सन पढ़ते हैं ना एस यू एन, सन, सुन नहीं बोलते, वैसे ही अ ध्वनि निकलता, तो डी यू सी डक ऐसे पढ़ेंगे, डक, ठीक है। तो ये हो गया इन ट्रो डक, क्लियर हो गया। इसे हमने क्या पढ़ा था? शन। तो अब इसे पढ़ के देखिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, तो ये क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी क्या होता है? परिचय देना। अपना इंट्रोडक्शन देके बताइए, अपनी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यानी अपनी परिचय दीजिए, क्या हो, क्या नाम है, माता पिता का नाम, फैमिली का नाम, जॉब वगैरह आपके, तो उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये हो गया, ये भी इजी है, देखिए ये भी लंबा है, हो सकता है बहुत से लोग को पढ़ने आता है, मैंने जैसे बताया, जिन्हें नहीं आता वो घबरा जाते हैं लंबे वर्ड्स देख के, आप तो इंग्लिश हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बना सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो उसका भी मैं लाने वाला हूँ, ऐसे वर्ड जिन्हें तोड़ने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भी आसानी से बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती, यदि मैं इस ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेता तो आप इसे क्या पढ़ते? इंट्रोडक टी ओन, सीधी सी बात है, आप इसे क्या बोलते? जैसे आपने बताया सर सी आई को सी, एफ आई को फी, तो टी आई को आप टी पढ़ते, ओ एन को ऑन, तो आप क्या बोलते? इंट्रोडक टी ओन ऐसे पढ़ते, इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में लिया है। ये आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसे शन पढ़ते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए, टी आई ओ एन एक साथ है तो शन पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। सॉरी, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये भी लंबा लिखा हुआ है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको, यहाँ पे भी एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कि शन वाला आया था उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप, यदि कहीं पे भी आपको टी यू आर एक साथ दिखता है, टी यू आर ई, ठीक है, तो ई की जगह पे ए लिखा है, टी यू आर आपको एक साथ मिलता है तो इससे हम च ध्वनि निकलता है, क्या निकलता है? च, देखिए चर ऐसे, इसे टर ना बोल के चर, यदि टी यू आर एक साथ है तो, ठीक है। आप इसका बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब इंग्लिश में आप पढ़े होंगे तो इस प्रकार से, जो देखिए टी यू आर है तो चर, जैसे कि नेचर आपने पढ़ा होगा, एन ए टी यू आर, तो वहाँ पे कहता है नेचर, उसी प्रकार से क्रिएचर, ठीक है। और उसके बाद आप देखे होंगे उसी प्रकार से पंक्चर, देखिए बहुत सारे याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रकार से क्या होता है, टी यू आर ई यदि एक साथ है तो आप उसे चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? चर, देखिए टी यू आर ई एक साथ है तो आप इसे चर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो भी टी यू आर आपको एक साथ दिखता है, यदि बीच में टी यू आर आपको एक साथ दिख रहा है या लास्ट में टी यू आर ई आपको दिख रहा है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? चर, इस प्रकार से चर। ये भी आपको इसलिए बताया बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इसे आप चर पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर आपको बताया, मॉइस्चर है ना, इसी पास से नेचर, अपाचर,
बहुत सारे ऐसे पंच चर, जैसे आपको बताया, तो वहां पे चर चर ध्वनि निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए इसे ध्यान देना, टी यू आर ई एक साथ हो या फिर टी यू आर हो बीच में, तो आप इसे चर पढ़ेंगे, है ना। आपको टूर या टर ऐसे नहीं पढ़ना है, चर। ये ध्वनि टी यू एक साथ होता तो फिर चर ध्वनि निकलता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ था आप चा पढ़ते हो, उसे बीच में आता है, लास्ट में आता है, तो आपको चा ध्वनि निकलना है। अब इसे हम पढ़ते हैं, चाहे तो आप अलग अलग इसे अग री ऐसे पढ़, मैंने क्या बताया आपको, आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी, छोटा छोटा भी तोड़ सकते हैं, बड़ा भी तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे एग, ए जी को एग, री ऐसे अलग 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 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा तोड़ा हूँ, तीन तीन में जैसे। अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे चार लिया हूँ, एग्री, एग री, एग री, एग्री, ठीक है। अब सी यू एल को, जैसे वहां पे हम डी यू सी को डक पढ़े थे, तो सी यू एल को कल पढ़ेंगे, कल, ठीक है, कल, क्योंकि कुल नहीं पढ़ना है, अध्वनि मैंने बताया था, तो सी यू एल को कल पढ़ेंगे, तो ये हो गया एग्री, कल। और टी यू आर को मैंने अभी आपको बताया क्या पढ़ना है, चर पढ़ना है, तो एग्री, कल, चर। और यहाँ पे ए एल को अल, क्या पढ़ेंगे, अल, आल नहीं पढ़ना है, ए डबल एल ऑल होता है, अल। तो आप देखिए, एग्री, कल, चरल, ठीक है, चरल, एग्रीकल्चरल, क्यों, क्योंकि चर और अल ये जो होता है तो र के साथ अ क्या मिला हुआ होता है, तो लिखने के लिए मैंने अलग लिख दिया है, लेकिन जब आप हिंदी में ऐसे आगे जब पूरा कंप्लीट करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको र के बाद अल ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप रल बोलेंगे तो भी उच्चारण वही होगा, देखिए एग्रीकल्चरल, है ना, इस प्रकार से हो रहा है एग्रीकल्चरल, देखिए वही है, लेकिन तोड़ के बताया इसलिए आपको डिटेल में बता दिया। तो देखिए इस प्रकार से लंबे लंबे हैं, कम से कम आपको ये तो समझ आएगा एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या होने वाली है, तो आप तोड़ तोड़ के बता सकते हैं, लंबा आपको बिल्कुल नहीं जा रहा है। आप देखिए, ये हो गया आपका एग्री, एग्री, कल, चर, अल, एग्रीकल्चरल, हाँ सर पढ़ने आ रहा है, एग्रीकल्चरल यानी क्या होता है, कृषि संबंधी, यानी जो खेती किसानी के संबंधित जो भी चीज़ होती है उसे एग्रीकल्चरल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, इससे कम से कम आपको समझ तो आएगा, इतने लंबे देखे आप डरेंगे नहीं, कोशिश तो करेंगे आप तोड़ तोड़ के पढ़ने की, हो सकता है बहुत सारे ऐसे वर्ड हो जिसे तोड़ने में आपको क्या हो परेशानी हो सकता है आपको गलत वहाँ पे पढ़ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी आप सब सही हो जाएगा, क्योंकि इसे अभी आप यदि आपको चेक करना है आप सही पढ़ रहे कि नहीं, तो मैंने आपको बताया कि गूगल में आपको किस प्रकार से सर्च करना है कि वहाँ पे आपको इसका उच्चारण आपको पता चल जाता है, आप वहाँ पे लिखेंगे, टच करेंगे, आपको पता चल जाएगा इसका ध्वनि क्या है, उच्चारण क्या है। लेकिन भाई हर समय तो आपके पास गूगल रहेगा नहीं, मोबाइल तो रहेगा नहीं, या एग्ज़ाम में या फिर कहीं पर आपको पढ़ना है तो हर बार तो मोबाइल आपको यूज़ नहीं होगा, और मोबाइल के आप एकदम आप उसका यूज़ कीजिए, लेकिन मोबाइल को क्या अपना बिल्कुल सहारा मत बना लीजिए, कि बैसाखी मत बना लीजिए कि बिना मोबाइल के आप कुछ जान ही ना पाए, इसलिए हम इस प्रकार से सीखते हैं। भाई इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है मोबाइल से कर लीजिए आप, लेकिन हमें कोई इंग्लिश बोलने बोलेगा तो हम बार बार देख के थोड़ी बोलेंगे, इसलिए मोबाइल को आप यूज़ कीजिए, हेल्प लीजिए, लेकिन अपना सहारा मत बनाइए कि मोबाइल पर ही डिपेंडेंट मत हो जाइए, ठीक है। इसलिए सब तरीका बता रहा हूँ, एग्रीकल्चरल क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब इसे तोड़ के बताते हैं, तो हम सबसे पहले इसे तोड़ लिए, ई एक्स को लिख लिए एक्स, इसे क्या पढ़ते हैं ए, और इसका एक्स इस प्रकार ध्वनि, एक्स यानी एक्स, जैसे एक्स को एक्स ही पढ़ते हैं, तो एक्स, ई एक्स है तो एक्स, पी को हम पी पढ़ेंगे, पे नहीं पढ़ेंगे, पी, एक्स पी, ठीक है, पी हो गया। अब क्या बचे, आर आई को हम ले लिए री, इजी है, ठीक है, ई एन को एन पढ़ेंगे, ए न एन, तो हम ये एन ले लिए भाई, ठीक है, और सी ई को स पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं सर सी को हम स कब पढ़ते हैं, क कब पढ़ते हैं, तो आपको बता दूं, यदि सी के साथ, सी के साथ यदि ई हो या फिर वाई हो या फिर आई हो तो इसका ध्वनि स निकलता है, ठीक है, क नहीं होगा। सी के साथ यदि ई है या सी के साथ वाई है या आई है तो इसका ध्वनि स निकलता है। जैसे कि आप देखेंगे सीमेंट, ठीक है, सी ई के साथ हो रहा है तो सीमेंट हो जाता है, कीमेंट नहीं होगा। वैसे साइकिल तो सी वाई है तो स ध्वनि निकल रहा है। सिगरेट तो देखिए सी आई है तो सी ध्वनि निकल रहा है, स निकल रहा है, सिगरेट की ग्रेट या कीमेंट ऐसे निकल रहा है। तो देखिए ये आपको बता दिया, सी के साथ यदि ई हो, वाई हो, आई हो तो इसका ध्वनि स निकलता है, तो यहाँ पे स होगा, ठीक है। अब देखते हैं तोड़ तोड़ के, हो गया एक्स पी री एन स, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ये हो गया एक्सपीरियंस। वैसे तो ये आधा ना होता है क्योंकि यहाँ पे, लेकिन आपको बताना है इसलिए मैं यहाँ पे आधा ना लिख के पूरा ना लिखा हुआ हूँ, लेकिन जब आप इसे जोड़ेंगे तो आप इसे आधा ना कर दीजिए। तो देखिए एक्सपीरियंस क्या हो गया, एक्सपीरियंस, इस प्रकार से एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी क्या होता है, अनुभव।
आपका एक्सपीरियंस कैसे है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कैसे था, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कैसा है, यानी वही होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। ये क्लियर हो गया तो देखिए तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ईजी होगा। एक और ले लेते हैं लंबा, यही लास्ट है और आपको तरीका पता चल गया आपको कैसे करना है। तो चाहे तो मैंने आपको बताया लंबे लंबे भी आप तोड़ सकते हो, इससे लंबा तोड़ के भी आपको बताने वाला हूँ। तो छोटा छोटा पहले देखते हैं। तो देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि आप सर कुछ भी है तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़िए इसे। उन नहीं पढ़ते, अन पढ़ते हैं। आपको बार बार बताया यू का ध्वनि ज़्यादातर जगह आपको अ मिलेगा और यू के ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि यू का उच्चारण कहाँ पे अ होता है, यू होता है, तो आपको मिल जाएगा यू प्रोनाउंसिएशन विष्णु एडीपी सर्च मारेंगे तो, या फिर लिंक में दे दूंगा आपको। अन फिर यहाँ पे मैंने सी यू एम को ले लिया तो कॉम, आपको पता है डॉट कॉम ऐसे होता है ना, तो कॉम ठीक है। पी एल एक्स आता है पी एल आई, मैंने बताया पी एल एक्स आता है प्ल ऐसे आधा प और ल प्ल, और आई है तो हर बार हम देखिए ई ई ध्वनि निकाल रहे हैं ई, तो ये प्ली, पी एल आई को हम क्या पढ़ेंगे प्ली, तो ये हो गया प्ली। अब ये तो आप पढ़ लोगे एम ई एन मैन, ये तो इजी है मैन। अब इसे टरी नहीं पढ़ना, आपको ट्री पढ़ना है, क्या पढ़ना ट्री ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश में अपवाद होते हैं इसलिए मैंने इसे आपको लिख के यहाँ पे लाया है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका ध्वनि थोड़ा सा अलग निकलता है, बहुत कुछ तो ऐसे हैं जिसके बिल्कुल ही अलग निकलता है, आप सोच ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। ऐसे वर्ड्स मैंने बताए हुए आपको बहुत जगह। तो ये देखिए इसे ट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ट्री ठीक है। अब देखते हैं अन कॉम प्ली मैन ट्री, अन कॉम प्ली मैन ट्री, अनकॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए अब पढ़ के देखिए अनकॉम्प्लीमेंट्री, अनकॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब होता है अपमानजनक, या जिससे क्या करते हैं किसी का अपमान कर देते हैं या फिर अच्छे से किसी से व्यवहार नहीं, तो इसे बोलते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री ठीक है। तो अब देखिए अब इसे पढ़ पा रहे हैं आप, या जिसे ज़्यादा लंबा पढ़ने आता वो क्या करेगा अनकॉम्प्ली को एक साथ ले लेगा, अनकॉम्प्ली अनकॉम्प्लीमेंट्री या फिर मेंट्री, एक साथ भी मेंट्री भी पढ़ सकते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री। यदि आपको थोड़ा लंबा लंबा वर्ड्स पढ़ने की प्रैक्टिस है तो आप ऐसे दो भाग में तोड़ सकते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री, उसी प्रकार से इसे भी तोड़ सकते हैं आप। एक्सपीरियंस 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 ऐसे आप लंबे लंबे वर्ड्स तोड़ सकते हो ठीक है। एग्री इसे आप एग्री कल्चरल एग्रीकल्चरल आप ऐसे लंबे जैसे इस प्रकार से किए थे बिल्कुल वैसे ही ठीक है, या कई लोग एग्रीकल्चर जैसे पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चरल लास्ट में जुड़ा है, उसी प्रकार से आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऐसे ही पढ़ सकते हो आप, या फिर इंट्रोडक्शन ऐसे ही पढ़ सकते हो, आपको जो सुविधा हो आप तोड़ के पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए मैंने आपको इसे तो बता दिया था स्पेसिफिकेशन, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे स्पेसिफिकेशन ऐसे तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी वो ट्रिक जो मैंने आपको बताया, केवल यही वर्ड्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे आप तोड़ के बना सकते हैं। कुछ वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, आप देखिए यहाँ पे लंबे लंबे वर्ड्स हैं, इसे मुझे कमेंट करके आप बताइए अपने ही भाषा में, जो मर्जी आपको लिखिए मैं समझ जाऊँगा आप क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं फिर उससे पता चल जाएगा कि आप यदि आप ऐसे हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो आप ऐसे मान लीजिए स्पेसिफिकेशन लिखा तो आप यदि ऐसे भी लिख देंगे ना वहाँ पे, जैसे कि मान लो आप ऐसे भी लिख दोगे ना स्पेसिफिकेशन ऐसे भी लिख दोगे, मान लो आप ऐसे भी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको हाँ पढ़ने आ रहा है, भले स्पेलिंग ये है उसका, लेकिन यदि आप हिंदी लिख नहीं पा रहे हो तो आप इस प्रकार से भी लिखोगे ना, जैसे आप मोबाइल में टाइप करते हो स्पेसिफिकेशन, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको पढ़ने आ रहा है। तो ठीक है ये नहीं दे रहा हूँ आपको, ये देखिए ये वो वर्ड्स है, आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, ताकि मुझे भी तो पता चले आपको कुछ इससे हेल्प मिला है कि नहीं। तो ठीक है ये थी अच्छी क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे शेयर करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी वीडियो कोई नकल वाली होती नहीं है, मेरी खुद की वीडियो होती है, नया नया तरीका आप लोगों के लिए मैं हमेशा लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और थोड़ा सा मुझे भी क्या करें उत्साहवर्धन करें मेरा भी, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।